हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपके सामने मेरे मोबाइल स्क्रीन में एक आपको फ़ोटो दिख रही पीएलसी और ये पैनल दिख रहा है आपको जो सामने, ये CP30 स्विंग स्टेटर, CP30 बेंचिंग प्लांट का पैनल है। और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअल भी कर सकते हैं आप और ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो, ये आपका ऑटो ऑटो स्टार्ट करना है तो आपको इस साइड करना पड़ेगा, ऑटो ऑन हो जाएगा, यहाँ ऑफ हो जाएगा, मैनुअल चलेगा। ये आपका स्टॉप बैच होल्ड ऑन करने का है और ये आपका ऑटो स्टार्ट करने का है। अगर ऑटो में स्टार्ट करेंगे तो इसको दबाना पड़ेगा, इसको यहाँ करना पड़ेगा और इसको यहाँ, इसको इस साइड करना पड़ेगा और इससे इसको दाबते ही ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका ये हो गया। और सबसे पहले अगर आपका MCB डाउन है तो MPCB, तो ये आपकी मेन MCB हो गई। ये आप जब कहीं भी जाओगे ये आपकी मेन MCB होगी। ये आपको नीचे की डाउन कर दी मैंने तो ये पूरा पैनल ऑफ हो गया। देखिए अब ये मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये सब ऑन हो गया, सिस्टम ये ऑन हो गया। देखो ये आपकी PLC में भी लाइट आ गई और देखो ये फॉल्ट का सिग्नल भी देने लगा क्योंकि हमने MCB गिरा दी तो ये हर चीज़ का फॉल्ट, ये मिक्सर मोटर का ओवरलोड का आ रहा है और ये सीमेंट स्क्रू ओवरलोड का आ रहा है, ये एडमिक्सचर सब चीज़ का आने लगा ये फॉल्ट। हम अब जब इसको दबा देंगे, रेड वाले बटन को दबा देंगे तो फॉल्ट हट जाएगा। देखो वो हर चीज़ का फॉल्ट हट गया, ये आपके ये सब ऑन हो गया सिस्टम आपका। जब हम इसको कोई भी रिसीप या बैच डिजाइन मिक्स चलाएंगे तो कैसे अपन को सेव करेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। ये आपकी रिसीप, ये बैक इससे होगा, ESC से बैक होगा और F1 में जाएंगे, ये आपका F1 है, इसमें जाएंगे तो ये रिसीप खुल जाएगी। देखो अब अपन को इंटर दबाना पड़ेगा, इंटर दबाएंगे, इंटर दबा नहीं, देखो दब गया तो ये आ गया पूरा डाटा आपका, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, ये आ गया सब। अब जैसे अपन को 16 नंबर में बनाना है, ये रिसीप नंबर आ गई 76, 16 नंबर खोल दो, इसमें 76 हो गए, इसको एंटर कर दें, इसमें 16 कर दें, एंटर कर रहे हैं हम, ये 16 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे एग्रीगेट वन में हम 10 mm चला रहे, 10 mm एग्रीगेट वन में हम यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक, गेट नंबर एक मान लो, यहाँ पे हम 400 में 10 mm चलाना है, दो में हम लोग सेंड चला रहे हैं, अधिकतर दो नंबर गेट में ही सेंड चलती है CP30 में स्विंग स्टेटर के में, तीन हमारा खाली है, चौथे में हम चला 20 20, हम 600 डाल देंगे, 600 हमने 20 सेव कर दी और आपका सीमेंट हम 200 सेव कर लेंगे, 200 हम सेव कर ली सीमेंट का। सीमेंट टू में हम फ्लाई चला रहे हैं, सेलो लगाए हुए हैं, फिलर में कुछ नहीं चला रहे हम, फिलर का हमारा वो ही नहीं है, कन्वेयर ली नहीं है। और ये यानी तीन ये फिलर दिया हुआ है, ये फिलर के लिए अगर जैसे कि हॉपर लगा रहे हो बाहर थ्री, तो उसके लिए वाटर हम 160 कर रहे हैं, वाटर 160, सॉरी 160, और ये आपका एडमिक्सचर 1000 डाल रहे हैं, 1000 में इसमें ग्राम में डलता है, 1 लीटर हो गया, 16 टाइम। अब इसको बैक में जाएंगे और इंटर को दबाएंगे, सेव हो जाएगी। प्रोडक्शन में जाएंगे, 7 MQ भरना है तो 7 16 में जाएंगे और इसके बाद में F3 दबा के ट्रांसफ़र हो जाएगी,
और इसके बाद इसको ऑन करते ही ये यहाँ ऑटो में ये इसको दबाते ही ये ऑन हो जाएगा। देखो ये हो गया ऑन, ऑन हो गया सब सिस्टम, ये सिग्नल जल गए सभी देखो। तो अभी हमें लोडिंग करनी नहीं है तो हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है डालने। वीडियो अच्छा लगा हो तो देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो।